हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद बघेल स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्ट्री डिफेंस अकेडमी पर। मैंने है ना पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस की जो सीरीज थी वो स्टार्ट की हुई थी। अब उसका जो डिस्काउंट वाला जो पार्ट था ना उसका पार्ट टू है, उसे सोल्ड करा रहा हूँ। ठीक है, देखो जरा क्या कह रहा है आपसे कि जी नवीन किसी वस्तु को है ना इसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट के साथ खरीदता है, सही है। वह इसे 660 रुपये में बेचकर 10% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था, यानी कि तुमसे पूछा है मार्केट प्राइस क्या था। देखो मैं ना तुम्हें दो तीन फॉर्मूले बता रहा हूँ, फॉर्मूले याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर एक तरीका बताऊँगा उससे कर लेना। देखो क्या है फॉर्मूला कि जी अगर तुम्हारे पास MP और CP दिया हुआ रहे तो तुम्हें उसमें डायरेक्ट रिलेशन ध्यान रखना है क्या कि MP/CP बराबर होता है 100 ± R/100 - D, सही है। इसे याद रख लेना, एक काम का फॉर्मूला है ना, इससे बहुत सारे सवाल बन जाएंगे तुम्हारे। क्या कि MP/CP बराबर 100 ± R/100 - Discount, सही है। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि MP/100 - D बराबर CP और 100 ± R। अपनी अगर प्लस हो तो जोड़ लेना और अगर लॉस हो तो घटा लेना, सही है। इसी का यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब देखो कह रहा है कि अंकित मूल्य पर कितने परसेंट छूट दी, 25% की, तो यानी MP ये रहा, इसमें से 25 घटा के लिख दो, तो MP कितना घटा दो, 100 में से 25 घटाऊँ कितना आ जाएगा, 75 बराबर उसने कहा 660 रुपये में खरीद बेच कर 10% का लाभ कमाता है, तो जो CP है ना वो कितना हो जाएगा आपका, इस पर 10% का लाभ हुआ यानी 100 + 10 यानी कितना हो जाएगा, ये 110, सही है, कोई दिक्कत नहीं। सुनो ये 660 रुपये में बेच कर और यहाँ पे है ये CP है ना, चलो अच्छा। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसे काट पीट कर लो, यानी MP/CP बराबर आ जाएगा कितना, 110/75। इसमें कुछ और था क्या, 660 रुपये में बेचकर, सुनो ये है ना, मतलब ये था MP और CP में डायरेक्ट रिलेशन, तुम्हें इसमें नहीं करना, तुम्हें है ना इसे इस तरीके से करना है, मतलब इसे फॉर्मूले को याद रखना है, ये वाला इसमें नहीं लगेगा, मतलब ये मैंने तुमसे बताया MP और CP में रिलेशन है ना, और इसमें यहाँ पे दिया हुआ है इसे 660 रुपये में बेचकर, ओके। तुम्हें इस तरीके से करना, देखो 25% की छूट दी है ना, 25% का मतलब क्या होता है, 1/1 मिनट में सारे को साफ कर दे रहा हूँ और फिर करते हैं। देखो 25% छूट दी है, 25% का मतलब कितना है, 1/4, सही है। अब यानी मार्केट प्राइस कितनी रही होगी उसकी, 4, और 1 का उसने डिस्काउंट दे दिया, कितने बेच देगा, 3 में, तो यहाँ लिखना MP जी कितनी होगी, 4, 1 की छूट दे दी तो बेच देगा कितने में, 3 में, सही है। अच्छा वो कह रहा है कि अगर वो उसे 10% का लाभ लेकर कमाता है, मतलब 10% का प्रॉफिट चाह रहा है, तो वो उसे कितने बेचता है, 660 रुपये, यानी उसने ना आपको सेलिंग प्राइस पहले ही ऑलरेडी दिया हुआ है, सही, सेलिंग प्राइस उसने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो तुम क्या करना भाई, देखो अब तुम्हें 10% की छूट दी है, 10% का मतलब क्या होता है, उसे और लिख लो, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी CP आपको कितना रहा था, 10, 1 का प्रॉफिट लिया कितने बेच दोगे, 11 में, तो यहाँ लिखना ऐसे CP इसके नीचे, यहाँ 10 और 1 का प्रॉफिट लिया कितने बेच देगा, 11 में, बात समझ में आ गई होगी। देखो मैंने क्या करा, जैसे 25% का डिस्काउंट दिया था उसे 1/4 लिख दिया, यानी 4 की चीज थी, 1 की छूट दी, 3 में बेच देगा, ठीक है जी। उसे 10% का लाभ हुआ तो उसे 1/10 यानी 10 की थी, 1 का प्रॉफिट लिया कितने बेच दिया, 11 में बेच दिया। अब एक ही सवाल के अंदर है ना सेलिंग प्राइस अलग अलग कैसे हो रहे हैं, जबकि उसने सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है, तो पहले क्या करोगे, इन दोनों को सेलिंग प्राइस को क्या करोगे, सेम करोगे, तो सेम कैसे करोगे, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 11 से करिए तो यहाँ भी 11 से करोगे, यहाँ 3 से करोगे तो यहाँ भी 3 से कर दोगे, समझ में आ गई। ये कितना हो जाएगा MP आपका, 44, SP कितना हो जाएगा, 33, और ये कितना बन जाएगा, CP 30, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अच्छा अब उसने तुम्हें दिया हुआ है कि उसने बेचे कितने में, 660 रुपये में, और हमने हमारे अकॉर्डिंग कितने बेचे है, 33 यूनिट में, तो 33 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 660, यानी इसके कितने गुना है, 20 गुना है जी, इसका 20 गुना, उसने पूछा तुमसे मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य, तो इसका भी 20 गुना कर दो, ठीक है, इसका भी कितना गुना कर दोगे, 20 गुना कर दोगे, इसका 20 गुना करोगे तो कितना जाएगा, 880, सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ 880 कर लेना, ये ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक होगी, कोई दिक्कत नहीं। देखो दोबारा सुन लो, 25% छूट थी, 4 का 1 का प्रॉफिट, मतलब 1 की छूट देगा तो 3 में बेच देगा, सही है। फिर 10% का प्रॉफिट हुआ यानी 10 का है, 1 का प्रॉफिट लेगा 11 में बेच देगा,
सही है। अच्छा जी, हमने कहा एक ही सवाल के अंदर सेलिंग प्राइस अलग अलग दिया हुआ, जैसे यहाँ पे 3 यूनिट था, यहाँ पे 11 यूनिट था, इन्होंने दिया हुआ था 660, हमने क्या कर लिया इसे बराबर कर लिया, यहाँ 11 से गुणा कर लिया, यहाँ 3 से, तो 33 बन गया ये। सही है, यहाँ 11 से करिए तो इधर भी 11 से करोगे, और यहाँ 3 से करिए तो इधर भी 3 से करोगे, सेम तो करोगे ना, तो ये 44 हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, और ये 30 हो जाएगा। सही है, अब उसने तुमसे कहा है कि सेलिंग प्राइस 660 रुपये दिया हुआ, और हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 33 यूनिट, 33 यूनिट की वैल्यू कितनी है 660, यानी इसका कितने गुना 20 गुना, तो ये भी इसका भी कितना गुना हो जाएगा 20 गुना, यानी तुम्हारा आंसर कितना जाएगा 880। सही है, इसे 880 कर लेना, ये मिस्टेक से लिखा हो, टाइप गलत कर दिया। ओके, समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल है जी आपका, ये क्या कह रहा है कि एक कूलर को बेचते समय है ना, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर 12% की छूट देता है, तो उसे लाभ के रूप में 35 रुपये कम प्राप्त हुआ। एक बात बताओ, देखो पहले तो वो तो मैं दे रहा था कितने परसेंट की छूट, 10% की, फिर बाद में कितने दिन लग गया 12% छूट, यानी छूट उसने थोड़ी सी बढ़ा दी है ना, कितने 2%, तो उसे जो लाभ हुआ होगा वो 35 रुपये कम हुआ होगा, तो उससे कोई मतलब नहीं, हमने कहा 2% का जो हमारा गैप है ना वो 35 रुपये के बराबर है। सही है, कोई दिक्कत नहीं, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कह रहा हूँ मैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 बटे 2, और जो भी चीज़ होती है अपना मार्केट प्राइस हो या CP हो, तो उसे निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से यहाँ पर गुणा कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, ये MP आ जाएगा तुम्हारा। सही है जी, 200 से काटो, कितनी बार काटो इसे 50 बार, और 50 के 35 में गुणा करोगे, 50 के 35 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 525 का 2 का हासिल, 5 15 2 1700, 5 25 होएगा ना भाई, 1750 आ जाएगा। सही है, कुछ भी नहीं था, ओरली भी कर सकते हो कि सर 10% छूट दे, फिर बाद में 12% छूटोगे, तो जो गैप कितने का 2% की वैल्यू जी 35 के बराबर, 1 की वैल्यू 35 बटे 2 गुना मैं 100 कर लिया, बस गुना करती 1750 आपका आंसर आ जाएगा। सही है, आसान है। अगला देखो, कह रहा है एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% छोड़ देता है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये हो और 20% का लाभ कमाता है, तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। देखो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला लिखवाया था ना स्टार्टिंग में, वो यहाँ काम देगा, और अगर तुम उस फॉर्मूले से करना चाहो तो उससे बन जाएगा, और जो मैंने अभी वो तरीका कराया था उससे, मैं दोनों तरीके से करा रहा हूँ, तो मैं देखो है ना, पहले तो उस फॉर्मूले से करा रहा हूँ कि MP/CP बराबर लिखवाया था मैंने तुम्हें 100 ± R/100 - D। सही है, अब उसने भाई किस दिया हुआ था, उसने कहा वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये, यानी कि MP और CP कितना दे दिया आपको 100 है ना, अच्छा और कितने का लाभ लिया 20% का, तो देखो अगर प्रॉफिट हुआ तो जोड़ के लिखोगे और लॉस हुआ तो घटा के लिखोगे, तो कितना लिख दोगे 120। डिस्काउंट कितने का दिया 4% का, तो 100 में से 4 घटाओ कितना जाएगा 96, काट लो इसे 24 + 5 = 120, 24 + 1 = 96, 4 से काटो कितनी बार 25 बार, और 25 की हुआ कर दो डायरेक्ट MP तुम्हारा कितना आ जाएगा 125 रुपये। सही है, इससे बन गया, तुम अगर उससे करना उससे भी कर लो, मैं तुम्हें उससे भी करा दे रहा हूँ एक बार है ना, इसे देख लेना पोज करके जो भी है इसकी स्टोर ले लेना। ठीक है, इसे देखो, इसे तुम अगर उस तरीके से करना तो वैसे कैसे करेंगे, कह रहा कि अंकित मूल्य पर 4% छूट दी है, 4% का मतलब तुम लिखोगे कि ये 1/25, 4/100 यानी 1/25, यानी ये 25 की थी, 1 की छूट दी, कितने बेच दोगे 24 में बेच दोगे, ये MP हो गया और ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, आपको 20% का प्रॉफिट हुआ है, 20% का प्रॉफिट हुआ है, 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब होता है जी आपका 1/5, यानी जी CP 5 रहा था है ना, 1 का प्रॉफिट लेकर कितने बेच दोगे 6 में बेच दोगे, अब एक ही सवाल के अंदर सेलिंग प्राइस अलग अलग थोड़ी रहेंगे, तो इसे 4 से गुणा कर दो, हो गया बराबर, इसे 4 से करा तो इसे भी 4 से कर दो, वहाँ तो सेम ही है 24 बनाना था कुल मिला के ये, तो MP 25, सेलिंग प्राइस 24, CP 20, अब जो दिया रहा है उसे कंपेरिजन करा दो, उसने कहा क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 100, देखो क्रय मूल्य दे कर रखे तो क्रय मूल्य से उसकी मतलब कंपेरिजन कर देना, सेलिंग प्राइस दे कर रखे तो सेलिंग प्राइस से कंपेरिजन कर देना, मार्केट प्राइस दे कर रखे तो मार्केट प्राइस, गैप दे कर रखे तो गैप से, इससे मतलब सारे सवाल बन जाएगा तुम्हारा मोस्टली है ना, 80% सवाल तुम्हारे इसी तरीके से बन जाएंगे। अच्छा, उसने दिया हुआ तुम्हारा कितना कि भाई CP कितना है 100 है, अपना कितना था 20, इसके कितने गुना है 5 गुना है ना, तो ये सारी चीज़ें भी कितने गुना होने वाली है 5 गुना, उसने तुमसे MP पूछा था, MP तो यही है अपना है ना, 25 में 5 से गुना कर दो 125 है ना, सारे सवाल बन जाएंगे, और बाकी वो है ना फॉर्मूला सही है, उसे याद रखना, उससे जल्दी जल्दी सवाल बन जाते हैं, ये भी सही है, ये अपनी जगह सही है। ठीक है, 30 सवाल हो गया अपना, ये नेक्स्ट देखो,
देखो ये है सक्सेसिव डिस्काउंट का। मैंने तुम्हें है ना पहली वीडियो में इसका फॉर्मूला लिखवा दिया था, है ना, बस मैं फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ और एक बार देख लो तुमसे क्या था कि डी वन प्लस डी टू माइनस डी वन डी टू बटे में 100। सही है, इसे लगा लेना और इसे तुम्हारे ज़्यादातर सवाल सारे बन जाएंगे। कौन से वाले? सक्सेसिव डिस्काउंट वाले। डी वन कितना दिया हुआ? अब देखो तुम्हारी मर्जी है, तुम इसे मानो डी वन, इसे डी टू, इसे डी थ्री, या डी वन डी टू, जैसा मन करा वैसा मान लो। जैसे मुझे ये आसान दिख रहा है, मुझे पता है ये दोनों जुड़ जाएंगे 50 हो जाएंगे, और 50 20 गुना 30 यानी कि कितना हो जाएगा 20 60 6 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को जब सोल्ड करोगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगा आपकी? 44 हो जाएगी। 44 में फिर 15 जोड़ देना, फिर माइनस 44 गुना 15 कर देना। सही है, मैं करके दिखा दे रहा हूँ। देखो मैंने ना डी वन इसे माना है, मैंने डी वन किस में यहाँ लिख दे रहा हूँ, डी वन मैंने किसे माना है 20 को, डी टू किसे माना है मैंने 30 को, और डी थ्री मान लिया मैंने 15%। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। इन दोनों को जोड़ दो पहले, कोई फॉर्मूला तो यही है। तो 20 प्लस 30 माइनस 20 गुना 30 बटे में 100, ये कितना हो जाएगा जी 50। इसे काट लो, ये कितना हो जाएगा 6, 50 में 6 जाएगा 44%। अगर हमारे पास ये दो ही डिस्काउंट दिए हुए होते तो हमारी छूट कितनी आती? 44%, लेकिन इसने तीन छूट दी हुई हैं। तो अब इसे मान लेना तुम, ये हो गया तुम्हारा डी और ये वो डी थ्री हो गया, समझ पता रही है। अब हमने इसे ओवरऑल डी मान लिया और उसे डी थ्री, तो यानी कितना हो जाएगा 44 प्लस 15 माइनस 44 गुना 15 बटे में 100। सही है, इनसे जोड़ लो कितना हो जाएगा 5 4 9 4 1 5 माइनस 4 से काटो से 11 बार, इसे काट दे कितनी बार 25 बार, भाई 4 × 4 = 8। सही है, इसे काटो 5 × 15 इसे काट दे 5 × 5 = 25, ये कितना 11 × 33 33 बटे में 5, यानी 5 × 30 3 बचेगा 5 × 30। ठीक है, इसमें से इसे घटा लो, 59 में से 6 जाएंगे, सॉरी ये इधर आ जाएगा 0.4, इसी में है 0.4, यही तुम्हारा आंसर होएगा, है ना। यहाँ बचेंगे 57 सॉरी, और यहाँ बचेंगे, लो घटा ही लो ना यार, ऐसा करके 10 में 6 जाएंगे 4, यहाँ बचे 8, 8 में 6 जाएंगे 2, ये 52.4% आना चाहिए, है ना। सही तो है, यही तो कह रहा हूँ मैं तुमसे, 52.4% जाएगा। ओके डन है जी, सही है। चलो क्या किसी वस्तु का अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से कितना परसेंटेज बढ़ाया जाए कि अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो, है ना। देखो बढ़ाया जाए या फिर कितना कम किया जाए, तो मैं है ना तो मैं डायरेक्टली इसका भी एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। ये 3-4 फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद रखने, एक तो सक्सेसिव डिस्काउंट का, एक MP/CP का, और एक मैं अभी लिखवा, मतलब 4 फॉर्मूले हैं, मैं तुम्हें लिखवा दूंगा बाद में जब ये ख़त्म हो जाएंगे। देखो पहला फॉर्मूला क्या है कि भाई जब तुम्हें है ना मतलब क्या कितना बढ़ाकर लिखा जाए या कितना घटाकर लिखा जाए, तो तुम्हें क्या करना, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, क्या D1 कर लो या D जो भी है, प्लस माइनस R अपॉन 100 माइनस D इंटू में 100। सही, डायरेक्टली निकल के आ जाएगा, मतलब तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा, सोचना भी नहीं है क्या दिया, बस तुम ये देखो कि दो एक बार प्रॉफिट और एक बार डिस्काउंट दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना। सही है जी, उसने कहा है कि छूट कितनी दी थी उसने 10% की, तो यहाँ 10 रख दो, ठीक है, और प्रॉफिट कितने का होगा 20 का, तो यहाँ 20 लिख दो, अपॉन में 100 माइनस डी यानी कितना आ जाएगा 90 और गुना में 100। सही है, कितना हो जाएगा 30/90 बोले तो 1/3 और गुना में 100, तो यानी कितना जाएगा 33, सही 1/3%। सही है, बड़ा काम का फॉर्मूला, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं इसे कैसे करके जी, कि जब भी तुमसे है ना पूछे कि कितना परसेंटेज बढ़ाकर लिखा जाए, कितना परसेंटेज घटा कर लिखा जाए, कितना लाभ होगा कितना हानि होगा, तो इसे डायरेक्ट ही निकल जाए, यानी परसेंटेज कमी या फिर वृद्धि जो भी हो, या फिर कहीं लाभ या हानि पूछे तो भी निकल जाएगा इससे ही, कितना कि जी डी प्लस माइनस आर अपॉन 100 माइनस डी, इसे लिख लेना। सही है, चलो नेक्स्ट देखो। ये तो हो गया था, हटो ठीक है भाई। सवाल नंबर कौन से पे आ गया? अपन 6 पे आ गए। अब देखो भाई कह रहा है एक वस्तु का लागत मूल्य 800 रुपये है और बेचते समय निर्धारित मूल्य पर 10% की छूट दी गई और 12.5% का लाभ प्राप्त किया गया, तो वस्तु का निर्धारित मूल्य ज्ञात करो। अभी बताया था उससे कर दो, है ना, कि MP/CP बराबर 100 प्लस माइनस आर 100 माइनस डी, है ना, सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे होता है, बाकी सवाल सही है सारे के सारे ही। लागत मूल्य कितना था 800 रुपये, यहाँ 800 रुपये रख दो लागत मूल्य,
या एमपी पूछेगा, एमपी यहाँ रख दिया। भाई प्रॉफिट कितना हुआ है 12.5% का, तो मैं से डायरेक्टली कितना लिख दूँ 112.5। लॉस कितने का हुआ 10% का, तो मैं से कितना लिख दूँ 90। समझ में आया? इससे हटाया यहाँ जीरो चिपका दिया, 2 जीरो से 2 जीरो मार दी। ठीक है, इसे भाग कर लो, 9 × 1 = 9 बचे कितने 2, 9 × 2 = 18 बचे कितने 4, 9 × 5 = 45। एम पी बराबर कितना आ जाएगा 125 × 8, 125 × 8 × 9 करो कितना हो जाएगा आपका 1000 रुपये आ जाएगा। समझे? है ना फॉर्मूला काम का, इसे याद रख लियो, बढ़िया फॉर्मूला है, सही है। बाकी अगर उसे करोगे ना भाई बताया रखा था मैं पहले ही कि 10% छूट दिया, तो 10 की थी 9 में बेच देगा, 12.5% का लाभ हुआ है, 1/8 का था 9 में बेच देगा, फिर उन्हें बैलेंस करना है ना, और फिर सीपी दिया हुआ है, कंपेरिजन तक करा लेंगे, हो जाएगा तुम्हारा सवाल। ठीक है चलो जी, नेक्स्ट देखो, तुमसे कह रहा है कि एक विक्रेता टीवी पर 8% छूट पर 17,940 में बेचता है, जिसमें उसे 19.6% का लाभ हुआ, बिना छूट दिए उसे बेच दिया, तो कितने परसेंट का लाभ यहाँ होगा बिना छूट दिए बेच दें, है ना? कोई बात नहीं, मतलब कि डिस्काउंट कितना रहा तुम्हारा, मतलब बाद में जब बेचे तो डिस्काउंट मतलब दिया ही नहीं है उसने, तब कितना होगा? तब जो मैंने तुम्हें पूरा लिखवाया था ना अभी, ये वाला D ± R / 100 - D × 100, इसे लगा दो कि डायरेक्ट ही आंसर देगा तुम्हारा। समझ में बात आ गई? ठीक है जी, लगा के देखो, तो डी कितना है आपका 8, सही है। प्रॉफिट हुआ है तो जोड़ना है, लॉस हो तो घटाना है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 19.6 / 100 - D, यानी कितना जाएगा 92, और इंटू में कितना 100, सही है, है ना? अब ये कितना हो जाएगा 19 × 8 = 27 – 27.6 / 92, और इंटू में 100 चल ही रहा है, सही है। इसे हटाओ, एक जीरो काट दो, इसे काटोगे कितनी बार कटेगा 3 × 2 = 6 × 3 = 7, हाँ 3 बार कट जाएगा, और 3 × 10 करोगे कितना जाएगा 30%, सही है। यानी कि कितने परसेंटेज का लाभ होगा उसे 30% का लाभ होगा अगर वो उसे बिना छूट दिए बेच दे तो। मुझे पता है कि फॉर्मूला काम का है ये। नेक्स्ट देखो जी, वही सवाल सेम टू सेम। देखो, एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं को की वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से कितने परसेंटेज ज़्यादा अंकित करे, यानी कितना परसेंटेज बढ़ा के करे, तो ठीक है ना कि जी D + अब मैं प्लस ही लगा रहा हूँ क्योंकि भाई प्रॉफिट ही हुआ है, +R / 100 - D, सही है, इंटू में क्या चलेगा 100, ओके 30 × 10 कितना हो जाएगा भाई, डायरेक्टली जोड़ दे रहा हूँ मैं, 30 × 10 भाई 30 × 10 = 40, एक बार घटाना पड़ेगा डिस्काउंट, वो कितना जाएगा 90 और गुना में 100, एक जो जीरो काट। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि 1/9 कितना होता है, 1/9 होता है 11 से 1/9%, 2/9 = 22 से 2/9%, 3/9 = 33 सही, 1/3%, ऐसे ही जब 4/9 करोगे तो 44 सही 4/9% तुम्हारा आंसर आ जाएगा, सही है। इसे ब्रेक कर लेना, भाग ही करना भाई, कर लियो 400/9 करते रहोगे ये आंसर आ जाएगा, सही है। चलो अगला देखो, फिर से वही आ गया। देखो अगर बट्टा, देखो यहाँ है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक होगी, यहाँ लिखा अगर बट्टा न दिया जाए, क्या लिखोगे अगर बट्टा न दिया जाए, ओके तो लाभ बताओ, वही सवाल है सेम टू सेम, 44 से 4/9%, बस यहाँ से डिजिट चेंज कर दिया। देखो इससे जो पहले वाला सवाल था यहाँ भी बेच कर दिया हुआ था, है ना, यहाँ 0% छोड़ दिया, अरे अगला वाला आ गया क्या, ये सारे सवाल एक जैसे हैं इसके अंदर, है ना? तो तुम क्या करोगे, फिर से डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, भाई 30 × 10, इसको मत देखना, ये तुम्हें केवल और केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, सही है। कितना आ जाएगा 30 × 10 = 40 / 90, और काट दोगे 4/9, यानी 44 से 4/9% हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, तो वही है क्या, सेम टू सेम है क्या, सेम टू सेम ही है ये भी, है ना, अभी कराया वो 30% आया था, बस देखो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करी है इन्होंने सवाल की, यहाँ पहले वहाँ कहा था कि डिस्काउंट ना दिया जाए, अब थोड़ा सा मॉडिफाई करके इन्होंने लिख दिया कि अगर डिस्काउंट कितना दिया जाए 0%, बात तो वही है ना कि छूट ना दे, है ना। क्या करोगे 19.6 + 8 कितना हो जाएगा 27.6 / 100 - 3, यानी कितना हो जाएगा 92, और गुना में कितना 100, अभी काट पीट करी थी कितना आया था 30% ही तो आया था, लो आ गया 30%, क्या दिक्कत है, सही है। चलो नेक्स्ट देखो, ये देखो कह रहा है कि 1170 रुपये में किसी चीज़ को बेचकर एक आदमी 10% बट्टा देता है और 30% का लाभ कमाता है, अगर बट्टा 5% हो तो लाभ परसेंटेज ज्ञात करो। अब देखो ध्यान से देखो, ये सवाल है ना, अभी तुम्हारे अगर ICAR का भी एग्ज़ाम हुआ है, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 10 मार्च की है ना,
तो जो तुम्हारे ICER के जो एग्ज़ाम हुए थे ना, उनमें हर हर बार है ना एक सवाल इस तरीके का देखा गया हर एक शिफ्ट में, ठीक है। तो मैं है ना तुम्हें इसका डायरेक्टली एक ट्रिक कह लो या फॉर्मूला कह लो, जो तुम कहो डायरेक्टली ध्यान रखना, ठीक है। तुमसे डायरेक्टली पूछ रहा है क्या कि परसेंटेज लाभ ज्ञात करो, है ना। तो क्या करना है, इसकी पहचान कैसे करोगे कि सर दो डिस्काउंट देकर रखेगा, एक डिस्काउंट दो डिस्काउंट, एक प्रॉफिट या फिर लॉस देकर रखेगा। तुमसे कहेगा कितना परसेंटेज लॉस हुआ या फिर कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ, डायरेक्टली कैसे करोगे, देखो परसेंटेज लाभ या फिर हानि बराबर क्या कि ब्रैकेट बनाओ 100 माइनस डी टू ब्रैकेट 100 प्लस माइनस आर अपॉन में 100 माइनस डी वन माइनस में 100। अब आधे बच्चे कहेंगे कि सर कैसे बनेगा, ये इतना लंबा चौड़ा सवाल है। भाई साहब इससे है ना मात्र 30 सेकंड से ही पहले बन जाएगा, और अगर इससे बेसिक से करने लगोगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सही है, एक दो बार देखोगे याद करोगे हो जाएगा, कोई ऐसा मतलब टफ नहीं है। 100 माइनस डी टू कितना दिया होगा 5%, कितना जाएगा 95। सही है, अच्छा प्रॉफिट कितना हुआ है 30% का, तो जोड़ के लिख दो कितना जाएगा 130 अपॉन में 100 माइनस डी वन कितना दिया हुआ 10%, यानी कितना जाएगा 90। सही है, और माइनस में तुम्हारा ये 100 चल ही रहा है, इसे बाद में करना, इसे काट दिया, गुणा करो इसमें जा 13 5 65 का 5 का हासिल 6, 93 117 और 6 123 और बटे में 9 और माइनस में कितना आ जाएगा ये 100। इसे सोल्व और कर लो, मैं इसे साइड लिख दे रहा हूँ, है ना, कितना आ जाएगा 1235 माइनस में 900 और बटे में 9। इसे देखो इसमें से इसे घटाओ कितना जाएगा 235, है ना 235 335 आएगा भाई, है ना 335 बटे में 9, इसे भाग दो, देखो 9 3 27, ठीक है ये दोनों आंसर कट गए, 9 3 27 बचे कितने 6, 9 7 63, ये आंसर है, ठीक है 9 7 63 और बचे कितने 2 और बटे में 9। सही है, कोई दिक्कत। अब देखो मैं ना तो मैं एक बार फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ, चलो तो है ना अगली वाली जो वीडियो आएगी ना एक और उसमें बता दूंगा मैं तुम्हें, ओके ठीक है, ओके जी धन्यवाद।